और बिहार के क्रिकेट खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को बड़ी राहत मिली जब 18 साल के बाद बिहार के क्रिकेट टीम को रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका दिया गया। बता दें आपको कि रणजी ट्रॉफी के तहत बिहार और अरुणाचल प्रदेश के साथ क्रिकेट मैच चल रहा है, जिसमें बिहार की टीम अरुणाचल प्रदेश पर भारी पड़ती दिखाई दे रही है। दरअसल सर्वोच्च न्यायालय ने बीसीसीआई को फटकार लगाते हुए निर्देश दिया था कि बिहार क्रिकेट को मान्यता दी जाए, जिसके बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता मिली। इस वक्त हम बिहार के मोइनुल हक स्टेडियम में उपस्थित है, जहां एक और बिहार और अरुणाचल प्रदेश की मैच अंदर हो रही है, वहां कुछ उसके बाहर कुछ युवा लोग मैच खेल रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए जानते हैं क्या कुछ और कितने उत्साह है बिहार को, जो 18 सालों के संघर्ष के बाद उन्हें मैच खेलने का मौका मिल रहा है रणजी ट्रॉफी में। तो इसके लिए आइए जानते हैं यहाँ के कुछ युवाओं से। एक सेकंड, आप ये बताइएगा कि काफ़ी लंबे अंतराल के बाद बिहार क्रिकेट टीम को रणजी ट्रॉफी का हिस्सा बनाया गया है और अभी फिलहाल मैच भी हो रही है, तो कितना कुछ उत्साह है आप युवाओं को? रणजी ट्रॉफी के जैसे बीसीसीआई की तरह मान्यता मिलने से तो काफ़ी उत्साह है और काफ़ी मतलब अभी अपॉर्चुनिटी मिलेगा खेलने के लिए और बिहार अपना टीम अच्छा कर भी रहा है। ये थे हमारे साथ आज के युवा और जैसा इन्होंने कहा कि काफ़ी उत्साह है इनके अंदर, जो पहले यहाँ वहाँ जाकर खेलते थे अब उन्हें बिहार से ही डायरेक्ट खेलने को मौका मिलेगा। हमारे साथ एक और युवा जुड़े हुए, जैसे कि आप देख रहे हैं वो नेट के अंदर प्रैक्टिस कर रहे हैं। आइए जानते हैं उनसे क्या कुछ कुछ है। एक सेकंड इधर आप आइए। लंबे अंतराल के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को रणजी ट्रॉफी खेलने का मौका मिल रहा है, इसके बारे में बताइए। बहुत हम लोग संघर्ष किए, उसके बाद बिहार को मान्यता मिला, अच्छी बात है ना। और पहले हम लोग को मिलना चाहिए ताकि और भी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्मेंस करता। पहले यहाँ वहाँ जाकर खेलना पड़ता था, अब आपकी सिलेक्शन डायरेक्ट बिहार से होगी, तो क्या कुछ नए आपके जीवन में आ रहा है, कितना उत्साह है इस बात को लेकर? अपना राज होता है, लेकिन इससे बहुत फ़ायदा है और खिलाड़ी की जिसे रणजी ट्रॉफी आया तो बहुत सारा खिलाड़ी का नौकरी भविष्य बेचारा बनेगा। तो ये थे हमारे साथ आज के युवा, जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे सब क्रिकेट की प्रैक्टिस कर रहे हैं, सब जिनका फ्यूचर है कि हम आगे आएँ और देश के लिए खेले। और संघर्ष जो जहाँ बात संघर्ष की हो रही है, अब संघर्ष के दिन इनके ख़त्म हो गए हैं, अब जो है ये बिहार के लिए खेलेंगे। और आइए इसके लिए और विस्तृत जानकारी के लिए और कुछ लोगों से बात करते हैं। पिछले 15 साल से मतलब बिहार के प्लेयर्स को कोई बाहर स्टेट में जाके खेलते थे, ये काफ़ी दुर्भाग्य था अपने मतलब अपने खुद के स्टेट के लिए कि खुद के हमारे बिहार के प्लेयर झारखंड जाके उड़ीसा कोई और स्टेट में जाके अपना मतलब प्रतिभा दिखाते थे, अपना परफॉर्मेंस शो करते थे। और इतने समय के बाद जब ये अभी हुआ है तो आप खुद देखिएगा कि बिहार से कितने ज़्यादा टैलेंट निकलते हैं, कितने ज़्यादा टैलेंट ऊपर आएंगे। आप ईशान भाई को देखिए, वो झारखंड स्टेट मतलब झारखंड से खेले और मतलब है तो बिहार के, और देखिए अभी इंडियन टीम में भी उनका जगह बनने वाला ही है। 18 साल बाद मान्यता मिली है सुप्रीम कोर्ट से और उसके बाद 42 साल के बाद पहली जीत है रणजी ट्रॉफी की। यहाँ पे बहुत उत्साह है लोगों में और पहले ही मैच में इतना भीड़ था अंदर और काफ़ी अच्छा यहाँ से टैलेंट निकलने का उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे मेहनती लड़के यहाँ पे हैं जो अदर स्टेट में जाके हम लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, दिल्ली, बॉम्बे, झारखंड, वो अब यहाँ पर आगे करेंगे। अपने स्टेट में मान्यता मिल गई है 19 को, 16 को, सबको, और सारे डोमेस्टिक जो जितने भी फॉर्मेट हैं, 23 का जितना फॉर्मेट है, रणजी ट्रॉफी का जितना फॉर्मेट है, तो यहाँ से टैलेंट निकलने की पूरी उम्मीद है। अब यहाँ से आईपीएल प्लेयर भी निकलेंगे आगे आने वाले सालों में, जितने हम लोग कोच मिलेंगे अच्छे, इंडिया प्लेयर भी यहाँ से निकल सकते हैं, तो यहाँ पे मान्यता मिलके बहुत अच्छी चीज़ हुई है। अच्छा टीम है बिहार और वो क्वालिफाई भी करेगी आगे, अरुणाचल भी अच्छी टीम है, पर होता है दिन है। काफ़ी समय के बाद बिहार टीम को रणजी ट्रॉफी का हिस्सा दिया गया है, मान्यता दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसके बारे में क्या कुछ कहेंगे? जो पहले इधर उधर जाके खेलते थे यहाँ के युवा। हाँ, वो अच्छा हो गया है, क्योंकि बिहार क्रिकेट पहले क्रिकेट होता नहीं था, हम लोग को बाहर जाना पड़ता था खेलने के लिए, अब वो अच्छा हो गया, बिहार क्रिकेट को मान्यता मिला, अब हम लोग को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिलेगा आगे खेलने को। तब यहाँ बिहार के प्लेयर्स थे, काफ़ी साल से हम लोग बिहार में थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, शुरू क्रिकेट यहीं किया था, लेकिन आगे का क्रिकेट नहीं था, इसी वजह से हम लोग इधर उधर घूम रहे थे, भटक रहे थे। कई स्टेट में लोग बिहारी प्लेयर्स को नहीं खेलने देते, जैसे मुंबई, महाराष्ट्र वैसे स्टेट में हम लोगों को मौका नहीं देते हैं, या फिर दिल्ली वगैरह स्टेट में भी, क्योंकि अब हर जगह का नियम लग चुका है कि आधार कार्ड पर लोकल एड्रेस चाहिए होता है आपको खेलने के लिए, उस वजह से बिहारी प्लेयर्स को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी खेलने में। तो अभी जैसे जैसे बिहार में खेल आ गया है तो हम लोगों को एक अच्छा है कि बस अपने गेम पे फोकस करना है, इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं है, या पेपर के लिए या किसी के लिए भी किसी के पीछे दौड़ना नहीं पड़ रहा है, अपने गेम पे फोकस कर रहे हैं जिससे हम लोग का गेम इंप्रूव कर रहा है, हम लोग अपने गेम पर ध्यान दे रहे हैं। यहाँ नए नए अकेडमीज़ खुल गई है
जिससे यहाँ के जो यंग बच्चे हैं जो कि बाहर नहीं जा सकते, जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर जाना, वो यहीं पर अच्छे अकेडमीज़ में प्रैक्टिस करा सकते हैं। हाल ही में यहाँ धोनी, इरफान पठान लोगों की अकेडमी खुल रही है, अच्छे अच्छे कोचेज़ आ रहे हैं हमारे 19 से लेकर के 23 रणजी ट्रॉफी में, बाहर के नेशनल टीम के कोचेज़ आ रहे हैं हमारी कोच करने के लिए। देख कर हम लोग को बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, जो हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं उनके अंडर में कोचिंग करके आ रहे हैं तो हम लोग उनसे बातें करते हैं, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। क्रिकेट बहुत अच्छे से डेवलप कर रहा है बिहार में, और ख़ास करके यंग प्लेयर्स के लिए, जो भी इवन हमारे पुराने प्लेयर्स जो बहुत साल से बिहार में टिके हुए थे गेम के लिए, जो इंतज़ार कर रहे थे कि कभी बिहार में क्रिकेट आए और हमें खेलने का मौका मिले, वो सभी उनमें से कई प्लेयर आज खेल रहे हैं। कई प्लेयर की तो उम्र ख़त्म हो गई लेकिन कई प्लेयर आज खेल रहे हैं, उन्हें उनके मेहनत का फल मिल रहा है। जो बिहार में टिके हुए थे, बिहार की तरफ लॉयल थे, रुके हैं बिहार में, वो सब अभी रणजी ट्रॉफी टीम में खेल रहे हैं, जिसमें हमारे फोंटी व्या, इंद्रजीत व्या, जिन्होंने आज 200 रन भी बनाए हैं, वो सभी है। और हम लोग जितने भी यंगस्टर प्लेयर्स हैं या अभी जो नए नए क्रिकेट खेलना शुरू कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक उम्मीद है कि हमें इधर उधर नहीं करना पड़ेगा, अपना यहीं रहकर हम लोग खेल सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने सुना, देखा और जाना कि यहाँ के युवाओं जो है कितने उत्साहित है मैच को लेकर। काफ़ी लंबे अंतराल के बाद, 18 साल के संघर्ष के बाद इनकी मेहनत रंग लाई और रणजी का हिस्सा बना क्रिकेट टीम, तो कहीं ना कहीं लोगों में, युवाओं में काफ़ी उत्साह देखने को मिले। कैमरा पर्सन राजीव रंजन के साथ मैं विशाल चौहान।